ये ड्रैगन फ्रूट आजकल फार्मर इसको काफी लगा रहे हैं। हाँ हाँ। ये अपनी जो तीनों ये ग्रेप फ्रूट की वैरायटीज हैं। अच्छा। तो ये थोड़ा स्टार रूप भी है, इसमें कलर ज्यादा आता है। उसके बाद ये लेटेस्ट हमारी ये वैरायटी फ्लेम है, इसका स्किन पतला रहता है, जूस भी अच्छा है और यील्ड भी अच्छा है और इसके प्लांट के ऊपर लाइफ भी 20 साल से ऊपर है। दोस्तों आज बठिंडा मेले में पहुंचे हैं और आपको स्टॉल दिखाते हैं। सर जी राम राम। राम राम जी। तो आप कहाँ से हो? मैं जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सर स्टेशन है अबोहर में। अबोहर में वहाँ से। अच्छा, फिर आपने इनके बारे में बताओ। ये सबसे पहले ये है कि ये ड्रैगन फ्रूट आजकल फार्मर इसको काफी लगा रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन इसका थोड़ा सा ये है कि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। अच्छा अच्छा। ऐसा ज्यादा खर्च होता है, ड्रिप पे लगाना पड़ता है। अच्छा। और नंबर ऑफ प्लांट्स काफी लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी इसकी इकोनॉमिक्स मतलब थोड़ा आपको लेट जाके पैसे। अच्छा। अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ सब्सिडी देती है तो इसका एरिया लग सकता है। अच्छा लग सकता है। हाँ। उसके बाद ये किन्नू के अंदर तो पंजाब में सबसे ज्यादा एरिया है। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ने BAU किन्नू नंबर 1 ये वैरायटी रिलीज की है। इसमें दो तीन सीड, कई जगह तो एक दो सीड ही बड़ी निकलते हैं इसमें। हाँ हाँ। लेकिन इसका एरिया भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसकी मार्केटिंग में अभी लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि सीडलेस में मतलब इसको कैसे बेचना है, थोड़ा उसके बारे में उसको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। और ये है अपनी W मार्केट वैरायटीज, ये भी फरवरी में पकती है जब किन्नू पकता है। तो ये डेजी है, डेजी के अंडर भी एरिया काफ़ी लग रहा है, ये नवंबर में पक जाती है। ये मैंडेन। उसके बाद आ गई ये माल्टे की वैरायटीज, माल्टे की वैरायटी, ये दोनों वैरायटी लगभग नवंबर में पकती है, अक्टूबर एंड में। तो इसका जो अभी अर्ली तोड़ा है इसको, ये है एसिडलेस वैरायटी, इसमें बिल्कुल भी आपको खट्टापन नहीं मिलेगा। इसमें ये कलर जो है इसका जो अभी आने वाला है, अभी और लगेंगे इसके दिन में। अच्छा, इसमें पिंक सा कलर डेवलप हो जाएगा अंदर। और ये अर्ली गोल्ड, ये भी अर्ली वैरायटीज है। हाँ, हाँ। ये भी अपने अक्टूबर एंड तक पक जाती है। हाँ, उसके बाद मौसमी थी ये, इसमें थोड़ा इसके बाद ये ज़्यादा लेटेस्ट अच्छी हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा ग्रेनुलेशन सूखने लग जाती है। अच्छा, नवंबर में। इनका नाम क्या है वैसे? ये मौसमी वैरायटी मौसमी है, माल्टे की वैरायटी है। ये जाफा है। हाँ। ये दिसंबर में पकता है। अच्छा। लेकिन इसको भी लेट तक रखते हैं तो पीला होता है और उसमें सूखने लग जाता है। अच्छा अच्छा। ये है ब्लड रेड, इसका एरिया भी काफ़ी बढ़ रहा है, अभी फार्मर लगा रहे हैं इसको। ये फरवरी तक रख सकते हैं, इसका क्वालिटी अच्छा बनता है। अगर ठंड पड़ेगी तो इसमें जो कलर अंदर से रेड आएगा। हाँ, ये लेट वैरायटी है, वैलेंशिया लेट, ये फरवरी मार्च में पकती है। हाँ, इसको फरवरी में आप इसको मतलब लेट तक रख सकते हैं इसको ट्री के ऊपर। ये अपनी जो तीनों ये ग्रेप फ्रूट की वैरायटीज हैं। अच्छा। तो ये थोड़ा स्टार रूप भी है, इसमें कलर ज़्यादा आता है इसका। लेकिन इसमें ये था कि इसके प्लांट ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करते, मतलब 12-13 साल चलते हैं। अच्छा अच्छा। और इनका जो स्किन भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मोटा। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद ये लेटेस्ट हमारी ये वैरायटी फ्लेम है, इसका स्किन पतला रहता है, जूस भी अच्छा है और यील्ड भी अच्छा है और इसके प्लांट के ऊपर लाइफ भी 20 साल से ऊपर है। तो ये रेड ब्लश पहले थी वैरायटीज, लेकिन इसका कलर जो है कम रहता है। अच्छा। ये जो वाइट टाइप वैरायटी है, मार्च सीडलेस जैसे रखी है, तो इनका मार्केट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना रेड वाले, रेड का डिमांड ज़्यादा है। उसके बाद ये मीठा आ जाता है, स्वीट लाइम, ये सितंबर में पकता है। और ये ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं मतलब जिनको मलेरिया या डेंगू डुंगू होता है तो ये मेडिसिनल इसका रहता है। मीठा 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 स्वीट लाइम, और इसको काट के इसको जैसे चूस लेते हैं। अच्छा, अच्छा। है ना, तो ये इनका भी मेडिसिनल वैल्यू, ये हार्ट पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा, अच्छा है ये रेड अच्छा वाला। और तीसरा आ जाता है ये अपने नीलम वैरायटी, NA4 भी बोलते हैं इसको। ये है अपनी वो आंवले का वैरायटी, और आंवले का तो मेडिसिनल पता ही है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। तो इसका भी एरिया अभी बढ़ रहा है, अभी फार्मर थोड़ा इसका जूस ज़्यादा मार्केट में अच्छा प्रेफर करते हैं। इसका कैंडीज अच्छा बनती है, आंवला कैंडी जो मार्केट में आती है। तो ये प्रोसेसिंग वैल्यू इस फ्रूट की काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तो इसका भी एरिया बढ़ रहा है, अभी पिछले साल से, अभी 1-2 साल से जो कंट्रैक्टर है इसको हाई रेट पे ले रहे हैं। इनकी बिकने के मार्केट कहीं? हाँ जी, सभी जगह मार्केट का इशू सिट्रस में कहीं भी नहीं है, हर जगह बिकता है। अच्छा। इनका थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा जहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह हो तो उनका डिमांड रहता है, लेकिन अभी फ्रेश भी बिक रहा है काफ़ी, अभी मार्केट में फ्रेश का सेल भी अच्छा है। अच्छा, अच्छा। तो इसको अगर किसान को पौधे वगैरह जरूरत हो तो कहाँ से ले? ये हमारे जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्टेशन है अबोहर में। अच्छा। तो वहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ का कोई
हेल्पलाइन कंपनी का कोई नंबर है? कंपनी नहीं है, ये हमारा जिनकी तरफ से ये किसान मेला लगा हुआ है। अच्छा। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है। अच्छा। उसके सेंटर है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। और ये हमारा अबोहर में है जो पर्टिकुलर फ्रूट्स का है। अच्छा। फ्रूट्स के जितना प्लांटिंग मटीरियल या वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन जैसे वो तो वहाँ जाके देख सकते हैं और उसके प्लांट्स भी ले सकते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जानकारी दी।